हेलो एवरीवन, आज है 22 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी है, 4.5 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 5% की अपर सर्किट यहाँ पर लग चुकी है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 4.5 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या हाल फिलहाल में अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने यहाँ पर खरीदारी ऑलरेडी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर 4.5 रुपए का ये शेयर है और पिछले काफी वक्त से अगर हम देखें तो जो पावर कंपनियां हैं वो काफी ज्यादा ट्रेंड में भी है, क्योंकि फ्यूचर इलेक्ट्रिकल है। आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चलते पावर का कंजम्पशन बढ़ने वाला है। उसके अलावा इंडिया जो है वो आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में सारी पावर कंपनियां दौड़ रही है और इसमें रिलायंस पावर भी दौड़ रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो 30 से 31% का ग्रोथ आया है। 3.40 रुपए से उठ के 5.40 रुपए तक शेयर पहुंचा, लेकिन बाद में गिरावट भी हमने देखी, अब वापस तेजी की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो 275% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 1 रुपए का ये शेयर हुआ करता था, एक बड़ी तेजी आई, गिरावट आई, उससे बड़ी रैली आई, फिर बहुत बड़ी गिरावट आई, फिर बड़ी तेजी आई, गिरावट आई, और एक बड़ी रैली आई, अब फिर से गिरावट की तरफ आगे बढ़ रहा है। 10 साल का ग्राफ अगर हम देखें तो सिचुएशन पूरी की पूरी उलट है। अब देखिए, 96% की गिरावट है, 136 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे ही आया है और 2019 की शुरुआत से इनके बुरे दिन शुरू हो चुके थे। शेयर में इतनी गिरावट थी कि ये दोबारा संभल ही नहीं पाया। यहाँ पर देखिए, स्मॉल कैप शेयर है ये, 1260 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने जाए तो 2.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। अच्छे खासे क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पर, लेकिन एक चीज यहाँ पर जो है वो यही है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पर उतना भरोसा नहीं है। आप देखिए, प्रमोटर के पास सितंबर 2019 की अगर मैं बात करूं तो उनके पास 43% की होल्डिंग थी। दिसंबर में वो डिक्रीज होकर 38% रही और मार्च 2020 में वो डिक्रीज होकर 20% से भी कम हो गई। सितंबर 2020 में और ज्यादा क्वांटिटी प्रमोटर ने बेची और 15% के आसपास आ गई। दिसंबर में भी प्रमोटर के द्वारा बड़ी बिकवाली हुई है। आप देखिए, यहाँ पर 15 दिसंबर 2020 को प्रमोटर ने 6.5% से भी ज्यादा की क्वांटिटी को बेचा है, वो भी 4 रुपए से भी कम प्राइस पर, 3.95 रुपए पर प्रमोटर ने बिकवाली करी है। और वो भी बिकवाली कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी बिकवाली है, 19 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स बेचे हैं। तो जब दिसंबर का डेटा अपडेट होगा तब आप देखेंगे कि प्रमोटर के पास 10% से भी कम की होल्डिंग बची है आपके पास। एफआईएस ने भी बिकवाली करी है, 2.91% की होल्डिंग 1.53% है। म्यूचुअल फंड जहां थे वहीं पर है, 0.15% की छोटी सी होल्डिंग ओन करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.83% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर यहां पर है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, 12.77% की होल्डिंग है और उसमें से भी 53% की होल्डिंग उनकी गिरवी पड़ी है। तो फंडामेंटली तौर पर अगर हम देखें तो बहुत ही वीक कंपनी ये नजर आ रही है कि प्रमोटर का भरोसा नहीं है। उसके अलावा प्रमोटर के पास जितने भी है उसमें से आधे से भी ज्यादा की क्वांटिटी इनकी गिरवी है। 117 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा है लेकिन होल्डिंग 0.15% की है, नाम मात्र की, बहुत ही छोटी। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में एक बहुत बड़ा नाम है, एक ट्रस्टेड नाम है, वो है एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी का नाम है यहाँ पर और आप देखिए 6.76% की होल्डिंग है, लेकिन उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एचडीएफसी को, क्योंकि निचले लेवल पर इनकी बाइंग है और उतनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर नहीं है जितनी अगर हम देखनी चाहे तो। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 61% से भी ज्यादा की है यहाँ पर। डिविडेंड 2015 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड इन्होंने पे नहीं किया है। रिलायंस पावर अगर देखने की बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है।
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, वाकई में हैरानी की बात है कि 96% लोग आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 1% लोग होल्ड करने की। मतलब 97% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 3% लोग ही ऐसे हैं जो आपको कहते हैं कि बेच के निकल जाइए। यहाँ पर आप देखें तो जैसे कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, प्रमोटर ने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली का काम किया है। प्रमोटर की जो होल्डिंग 43% तक हुआ करती थी, आज वो 10% से भी कम की हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। रेवेन्यू में अनडाउटेडली उछाल जरूर आया है, 2,500 करोड़ तक के रेवेन्यू देखने को मिले हमें सितंबर में। बाद में दिसंबर में वो डिक्लाइन होकर 1,900 करोड़ तक रहा, लेकिन प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट भी कोई उतना खास अच्छा नहीं कह सकते हैं हम इसको। बड़े नुकसान हमें हमेशा यहाँ पर देखने को मिले। आप देखिए 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ दिसंबर क्वार्टर में, तो सितंबर में 105 करोड़ था और दिसंबर 2019 में 50 करोड़ के आसपास का ही था। तो प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने ये देखा कि ये प्रॉफिट था, लेकिन एक क्वार्टर ऐसा भी था बीच में जब आपको 4,400 करोड़ का नुकसान भी देखने को मिला था मार्च 2020 के क्वार्टर में। तो देखिए कुछ क्वार्टर्स में तेजी आ जाती है, लेकिन बाद में कुछ क्वार्टर ऐसे भी है जिसमें बड़ी बिकवाली आपको देखने को मिली, बड़ी गिरावट देखने को मिली। रिलायंस पावर देखिए ये पैटर्न है इसका, ठीक है, एक तेजी के बाद आपको एक वापस से गिरावट में धकेल ही देगा ये शेयर। तो रिलायंस में तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी अभी तो मत ही करिए, फ्रेश बाइंग करने की सलाह मेरी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि देखिए आपको हमेशा ये नीचे ही फेंकेगा लॉन्ग टर्म में। और अगर आपने खरीदारी करी हुई है तो अगर 5 रुपए से ऊपर ये शेयर निकलता है तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में खरीदारी करने की मैं सलाह आपको रिलायंस पावर में नहीं दूंगा। पावर में अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप टाटा पावर में खरीदारी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए काफी भरोसेमंद शेयर भी है और टाटा का भरोसा भी है यहाँ पर। रिलायंस पावर अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है जो फाइनेंशियल तौर पर भी काफी बड़ी दिक्कतों से जूझ रहे हैं, काफी बड़ी प्रॉब्लम से ये लोग जूझ रहे हैं, बाहर निकलना अभी के लिए उनके लिए मुश्किल भी दिखाई दे रहा है। नया पैसा भी इनके पास नहीं है जिससे कंपनी में वो आने वाले दिनों में कुछ नया सुधार कर पाए। तो रिलायंस पावर अगर मैं कहूँ तो ऑपरेटर इसमें काफी हद तक एक्टिव है, इवन अनिल अंबानी ग्रुप की कोई भी कंपनी आप उठा लो उसमें ऑपरेटर ही बड़ा गेम खेलते हैं, तेजी लाने का काम भी वही करते हैं, गिराने का काम भी वही करते हैं। तो मैं कहूंगा कि रिलायंस पावर अवॉइड करें, फ्रेश बाइंग तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनती है। लेकिन आपने अगर ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है तो ऑपरेटर दोबारा तेजी यहाँ पर जरूर लेकर आएंगे और शायद हो सकता है कि शेयर 5 रुपए तक भी चला जाए, लेकिन 5 रुपए से नीचे अगर 5 रुपए से ऊपर अगर निकलता है तो आपको वहां पर खरीदारी तो नहीं करनी है, बल्कि आप चाहे तो आप अपनी जो होल्डिंग है उसको बेच के निकल सकते हैं। फ्रेश बाइंग की सलाह ना मेरी 4,500 रुपये पर होगी ना ही 5 पर होगी, अवॉइड करने की ही सलाह है स्ट्रिक्टली। और भी अच्छे खासे शेयर से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, अच्छा मैनेजमेंट है, आप उसमें पैसा लगाए ना कि रिलायंस पावर जैसी कंपनी में जो कि बहुत ही रिस्की शेयर है और ऑपरेटर का ही यहाँ पर बड़ा खेल होता रहता है। तो अवॉइड करिए, रिलायंस पावर में तेजी आना और गिरावट आना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो मेरी तरफ से रिलायंस पावर में खरीदारी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर 5 रुपए से ऊपर निकलता है तो आपने खरीदारी की है तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।